है मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरोपियों के घर दबिश देने की मांग को लेकर परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कल कुलदीप जखीना की हत्या हुई थी और मौत के बाद से ही अब जो परिजन है वो धरना प्रदर्शन करने लग गए हैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं मोर्चरी के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए हैं और परिजन अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो भरतपुर में ताबड़तोड़ गोलियां चली जिसमें पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ आरोपियों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया था, अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हत्या में कई लोग शामिल हैं, आरोपियों के दोस्त से लेकर कुछ रिश्तेदार के भी शामिल होने की खबर मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस कस्टडी पर जिस तरीके से हमला कर हत्या की गई इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चले हुए हैं, एक साल उनको जेल में हो गया, पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस बेस पे क्यों नहीं कर रहा है? रविंदर ने किस तरीके से अधिकारियों को हैंडल कर रखा है, इसके पीछे कौन है, ये सब आपके माध्यम से हम पता लगाना चाहते हैं। आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप पे ऐसा क्या दबाव है, इस भाईचारे से ज्यादा क्या दबाव है, आप इस न्याय अन्याय की लड़ाई को क्यों नहीं समझ रहे हो, आप अन्याय का साथ क्यों दे रहे हो? बस हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से यही निवेदन है, यहाँ शांति से अपना भाईचारा बैठा हुआ है। जब तक पुलिस प्रशासन हमको इन मेन मुलजमों से किसी की गिरफ्तारी नहीं देगा, हम इस सबको ना लेंगे और ना इसका पोस्टमार्टम होने। और बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी कल जयपुर आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नियुक्ति के बाद पहली बार जोशी राजस्थान आ रहे हैं। चुनाव प्रभारी हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के प्रमुख नेताओं से जोशी चर्चा करेंगे। तो प्रदेश चुनाव प्रभारी जोशी कल जयपुर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कल का दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कई खास बीजेपी के नेताओं से मिलकर चर्चा करेंगे, आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जोशी का दौरा बेहद खास जिससे कि आगामी रणनीति को तैयार किया जाए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो है वो कल आ रहे हैं, यानी कल से जो है वो राजस्थान में कैंप करने जा रहे हैं। कल जो जिलाध्यक्ष है बीजेपी के उनके साथ जो है वो बैठक होगी और बताया जा रहा है कि संडे को संभवतः विधायकों के साथ भी वो जो है वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें कुछ दिनों पहले ही प्रभारी बनाया उसके बाद अब जो है वो राजस्थान पर फोकस करने जा रहे हैं और राजस्थान में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार की रणनीति जो है वो अपनानी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रहलाद जोशी जो है वो कल से राजस्थान में कैंप करने जा रहे हैं। अभी कार्यक्रम जो है वो नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि कल दोपहर तक जो है वो वे जयपुर आ सकते हैं और कल जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के अलग अलग जिलों उनको बुलाया गया है और उनके साथ जो है वो मंथन होगा। करीब 400 से 500 लोगों के साथ जो है वो पदाधिकारियों के साथ ये मंथन होने वाला है और उसके बाद परसों संभवतः तमाम विधायकों के साथ जो है वो चर्चा होगी। बिल्कुल सौरभ, बेहद खास ये दौरा हो जाता है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रहलाद जोशी को और खबर ये भी है कि कुछ प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ बड़े चेहरे सौरभ जो मुलाकात कर सकते हैं कल? बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है तो बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो राजस्थान में ही जयपुर में रहेंगे और बड़े नेता भी जो है वो उनके साथ मुलाकात। ठीक है सौरभ, कल जब प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस खबर पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयार की गई है। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को बीजेपी घेरेगी। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में एक खास बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल रहे। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और इससे ठीक पहले ये बैठक और बीजेपी ने आगामी रणनीति को तैयार किया है कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर हंगामा किया जाएगा। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।
तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही सुना, बीजेपी के कई नेता लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर, महिला अत्याचार समेत कई वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कल विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। किसान हमेशा सड़कों पर रहे इस पौने पांच साल में, किसानों की कर्जा माफी बड़ा यक्ष प्रश्न इस सरकार के खिलाफ है। बेरोजगारी राजस्थान में हिंदुस्तान की सर्वाधिक है, और इसके बारे में जो हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसने इस बात को पुख्ता किया है कि 28% के लगभग बेरोजगारी राजस्थान में है। पेपर लीक का दंश ये नौजवानों के लिए मुझे लगता है सपने तोड़ने जैसा था। छोटा सत्र और सत्र को बुलाने के पीछे मकसद ये कि आनन फानन में सोशल सिक्योरिटी से लेकर फार्मर डेट लिफ्ट एक्ट से लेकर इस प्रकार के कानून पास करें जिससे जनता में भ्रम हो जाए कि सरकार बड़ी कल्याणकारी सरकार है। भ्रष्टाचार भी जिस प्रकार का चल पड़ा है, मैं समझता हूँ रोज एक्सचेंज कह रहा है या तो मैं हूँ या फिर इनके साथ वो बड़े ऊपर भगवान है, और उसको फिर आज तक अभियोजन की स्वीकृति इन्होंने लगभग 550 लोगों की तो अभियोजन स्वीकृति तक नहीं दी है, तो ये केवल नौटंकी और नाटक है, इससे जनता भ्रमित होने वाली। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में एनएफटीज, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग राष्ट्रों को साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों से सुरक्षित रखने में सफलता की कुंजी है। सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल ऑनरशिप के संबंधित लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज और डार्कनेट जैसे विषयों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सार्थक चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस पहल को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। मित्रों, इस डिजिटल युग के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती। और उकर लेते हैं इस बीच दौसा से मिल रही बड़ी खबर का। महवा में संजय गुर्जर मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, और मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, महवा थाना पुलिस ने और राजसमंद से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर खमनोर में हादसा हुआ है बिल्ली की, भागल बनास नदी में युवक के डूबने के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर, और मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 12 घंटे से अधिक समय के बाद भी युवक का शव बरामद किया गया। युवक की तलाश में सिविल डिफेंस एनडीआरएफ की टीम नाकाम रही है। स्थानीय युवक की सूझबूझ से युवक का शव मिला। कल शाम बनास नदी में यादराम गुर्जर डूब गया था, तो लगातार टीम वहां पर जुटी हुई थी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम भी शव को ढूंढने में नाकाम रही, लेकिन एक ग्रामीण ने शव को ढूंढ लिया है। अल्केश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम तो नाकाम रही, लेकिन युवक के शव को बरामद कर लिया गया है, बताइएगा कैसे? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो डूबने वाला मृतक था इसका नाम यादराम गुर्जर था और ये भरतपुर का निवासी था जो उदयपुर में नौकरी करता था। कल दोपहर में ये अपने कुछ पारिवारिक मित्रों के साथ में यहाँ पर जो बिल्ली की भागल इलाका है खमनोर थाना क्षेत्र में,
वहां पर बनास नदी के यहाँ घूमने आया था और वहां नहाने के दौरान इसका पैर फिसल गया और ये उस नदी में डूब गया। डूबने के बाद जो वहां पर स्थानीय लोगों ने इसको पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया। जब युवक की तलाश की गई तो युवक नहीं मिला और बाद में उदयपुर से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। कल रात होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लेकिन सिविल डिफेंस और ये जो जब ढूंढने में नाकाम रहे तो स्थानीय बिल्कुल युवक ने शव को ढूंढ निकाला। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर उदयपुर के फतेहपुरा इलाके में स्थित यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साबिरा अत्तरवाला नाम की एक शिक्षिका ने स्कूली बच्चों को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले संदेश देने की कोशिश की। आरोप है कि साबिर अत्तरवाला में पढ़ाई में कक्षा में के दौरान किसी टॉपिक पर चर्चा के बीच हिंदू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी की। इसके द्वारा कहा गया कि हिंदू धर्म में किसी भी पत्थर पर रंग लगाकर उसे हनुमान जी और माता जी बना दिया जाता है। यही नहीं, बच्चों ने इसकी शिकायत प्रबंधन को दी। इस घटना की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों और बच्चों के अभिभावकों को हुई तो वे स्कूल पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि इससे पहले ही स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका को टर्मिनेट कर दिया था लेकिन हिंदू संगठनों ने मांग की है कि स्कूल में काम कर रही अन्य समुदाय की दूसरी शिक्षिकाओं को भी हटाया जाए और साबिरा अत्तरवाला के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। शनिवार की घटना है। शनिवार को बच्चे स्कूल आए थे तो एक बोहरी मैम है, बोहरी मैम ने है ना बच्चों को अपने सनातन धर्म के लिए गलत गलत बोला कि तुम्हारे जो भगवान है उन किसी ने देखा तुम्हारे भगवान को और तुम्हारे है ना लाल लाल कलर करके किसी कोई भी हनुमान जी और माता जी बना देते हैं और ऐसा। फिर किसी बच्चे ने बोला हमारे बच्चे जो इनका जन्म वहाँ पे मक्का मदीना में हुआ और ऐसा बोलते बच्चे किसी बच्चे ने पूछा कि ना मैम वहाँ मक्का मदीना में कौन रहता है तो बोलते तुम्हारे बाप रहता है। हम ऐसी शिक्षा देने को नहीं भेजते ना स्कूल में, हम तो अच्छी शिक्षा होने के नाते ऐसा बोलते तो वो अच्छा नहीं। और तिलक लगाने के लिए मना करते हैं, बच्चे लच्छा बांध के आते हैं, लच्छा बांधने के लिए मना करते हैं। हम सब आज एक विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आए हैं। आज द यूनिवर्सल स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हमारे ही धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उनको गलत शिक्षा दी जा रही है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, अपनी अपनी शिक्षा का अधिकार सभी धर्मों का है। अगर आपको इस सनातन धर्म के विरुद्ध में कोई शिक्षा देनी है तो आप मदरसे में लेके जाइए। 8 जुलाई को हमें बच्चों ने रिपोर्ट किया था, हमें बताया कि इस तरह की कोई घटना या सेंटेंसेस 7 तारीख को क्लास में कहे गए। हमने 8 तारीख को इंक्वायरी बिठाई और उसका पूरा हमने ब्यूरो लिया और इसके तहत हमने उस अध्यापिका को निष्कासित कर दिया था 8 तारीख को। और उसके बाद हमने पूरी देखरेख में ये एश्योर किया और ये देखा कि इस तरह की आगे फ्यूचर में कोई भी घटना ना हो। सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, विद्यालय जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है लेकिन यहाँ पर शिक्षा ना देकर गलत संदेश देने की कोशिश की गई, अब लोगों में गुस्सा है, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? ये मामला भले ही 7 जुलाई का रहा हो लेकिन आप जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई और बच्चों ने जब अभिभावकों को बताया तो आज काफी तादाद में लोग स्कूल पहुंचे थे और जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि स्कूल प्रबंधन द्वारा जो आक्रोशित लोग थे उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश जरूर की गई है क्योंकि 8 जुलाई को ही जो अध्यापिका थी उसे टर्मिनेट स्कूल प्रबंधन द्वारा कर दिया गया था। एक इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसमें आरोपों की पुष्टि हुई और उसे टर्मिनेट कर दिया। लेकिन अब जो आक्रोशित लोग थे उनकी मांग है कि जो शिक्षिका थी उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और दूसरे जो भी शिक्षक जो कि अन्य समुदाय के उन्हें बाहर निकाला जाए। तो इन सभी मांगों पर अब स्कूल प्रबंधन आगामी 7 दिनों में विचार करके ठीक है कपिल, अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है स्कूल प्रबंधन की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महवा में संजय गुर्जर मौत मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। महवा थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक संजय के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना मानकर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर कारतूस भी मिले हैं और कारतूस को लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर ये कारतूस यहां पर कैसे पहुंचे, क्या यहां पर फायरिंग भी की गई। बता दें कल महवा DSP ने संजय को 3 गोली लगने का बयान दिया था और इससे उसकी मौत की पुष्टि की गई थी लेकिन अब एक्सरे रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आया है और पता चला है कि शख्स को कोई गोली नहीं लगी थी और इसके बाद अब पुलिस दूसरे एंगल से
पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन चूंकि शव के पास से कारतूस भी मिले थे, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कारतूस किसके थे, घटनास्थल पर ये कारतूस कहां से आया, क्या किसी ने कारतूस जेब में रखे थे और क्या घटनास्थल के पास हवाई फायरिंग की गई थी। संजय गुर्जर की मौत कैसे हुई, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है और अब पुलिस दुर्घटना के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है, शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन ये कारतूस यहां पर कैसे पहुंचा, इस सवाल को लेकर भी पुलिस जांच में जुटी। संजय गुर्जर की दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके बाद बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के आज अभी बॉडी सुपुर्द कर दी है। प्रथम दृष्टया वो दुर्घटना का माना गया है, उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। वहाँ एक कार्टिज मिला था 12 बोर का, तो उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा, आज से 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में रहेंगी। आज शाम को राष्ट्रपति का जयपुर आने का कार्यक्रम है। राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रुकेंगी। सीकर में कल दोपहर खाटू श्याम जी के दर्शन भी करेंगी और पूजा अर्चना के बाद तकरीबन 3 बजे जयपुर के लिए वापिस रवाना हो जाएंगी। 14 जुलाई को राष्ट्रपति का विधानसभा में उद्बोधन होगा। सीपीए कॉन्फ्रेंस में भी राष्ट्रपति उद्बोधन करेंगी। आईसी में सीपीए का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से भोज का आयोजन होगा। और अब बात पाली की, जहां बजरी माफिया की गुंडागर्दी देखने को मिली। सांडे राव में फालना मार्ग पर बंद पड़े एक होटल को रॉयल्टी फर्म ने अपना ठिकाना बना रखा है, जिसके पीछे सांडे राव के अशोक मीणा का खेत है। किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में रॉयल्टी के लोगों के अशोक मीणा और उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें जीवाराम मीणा घायल हो गया। सूचना पाकर सांडे राव से पुलिस दल मौके पर पहुंचा और रॉयल्टी के लोगों ने पुलिस के सामने ही गाड़ियों से लाठियां, पाइप और सरिये निकाल लिए, जमकर सरिये लहराए गए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दलित परिवार से मारपीट और पुलिस के सामने हथियार लहराने की इस घटना को पुलिस ने बहुत हल्के में लिया। केस दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों के 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार, मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला